दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इन वन हिंदी हाईलाइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपके लिए EDS का एक और नया टाइटल प्रोजेक्ट लेकर आए हैं दोस्तों, जो खूबसूरत एडिट किया हुआ है दोस्तों। दोस्तों हम कोशिश यही करते हैं दोस्तों कि रोज़ हम आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट लेकर आएँ, लेकिन दोस्तों किसी कारणवश हम रोज़ वीडियो नहीं ला पा रहे हैं दोस्तों। लेकिन आज हमने कोशिश करके आपके लिए एक EDS का टाइटल प्रोजेक्ट तैयार किया है दोस्तों, वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। तो आज का प्रोजेक्ट कैसा बना हुआ है, आज का टाइटल कैसे क्रिएट किया हुआ है, ये जानने के लिए दोस्तों चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि आज का हमारा टाइटल प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ये वो RAR फाइल है दोस्तों जो आज आप लोग डाउनलोड करेंगे। इस RAR फाइल का डाउनलोड लिंक आपको हम वीडियो में दे देंगे दोस्तों। दोस्तों ये जिस गाने पर फिल्माया गया है उस गाने का बोल है दोस्तों, दिल दिया गल्ला। दोस्तों इस सॉन्ग के ऊपर ये टाइटल बना हुआ है, लेकिन दोस्तों इसमें ओरिजिनल सॉन्ग नहीं दोस्तों, इसमें दिल दिया गल्ला सॉन्ग का वो इंस्ट्रूमेंटल वॉइस आपको मिलेगी जो बैकग्राउंड में चलती रहेगी और आपका टाइटल भी ऊपर से चलता रहेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज आप लोगों को कितने डाटा का प्रयोग करना पड़ेगा इसको डाउनलोड करने के लिए। तो दोस्तों फाइनली 22 MB डाटा आज खर्च करना पड़ेगा आप लोगों को इसको डाउनलोड करने के लिए दोस्तों। तो सबसे पहले इसको अनजिप कर लेते हैं। पासवर्ड दोस्तों हमने इस RAR फाइल के ऊपर लगा रखा है जो आपको वीडियो में तीन पार्ट में टेक्स्ट में लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों। तीनों पार्ट में दोस्तों आपको दो दो अंक अलग अलग तीन भाग में मिलेंगे। इन तीनों भागों में जो पासवर्ड आपको मिलेगा वो इकट्ठा करके आप जब इस RAR फाइल के ऊपर लगाएंगे दोस्तों अनजिप करते समय, तो ये अनजिप हो जाएगा। तो फिलहाल हम पासवर्ड लगा लेते हैं और इसको अनजिप कर लेते हैं। दोस्तों काफ़ी कम साइज़ का ये आज का प्रोजेक्ट है दोस्तों, इसलिए ये तुरंत अनजिप हो गया। और अनजिप होने के बाद दोस्तों एक ऐसा नया फोल्डर आपको मिलेगा उसी नाम से, दिल दिया गल्ला टाइटल के नाम से आपको एक नया फोल्डर मिलेगा दोस्तों। इसका साइज अनजिप करने के बाद 25.7 MB हो जाएगा। तो इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें हमें आज क्या क्या मिलता है दोस्तों। इसमें एक प्रोजेक्ट फाइल है और डाटा नाम का फोल्डर है जिसके अंदर दोस्तों इसके अंदर डाटा है जो हम आज इस प्रोजेक्ट को एडिट करने में लगाए हैं, इसमें खर्च किए हैं, वही डाटा इसके अंदर है दोस्तों जो आपको इस प्रोजेक्ट में मिल जाएगा। तो अब अपना EDS ओपन करके देख लेते हैं कि आज का ये प्रोजेक्ट कैसा बना हुआ है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें ताकि पासवर्ड आपसे मिस ना हो और पासवर्ड इकट्ठा करके और आप अच्छे से इसको यूज में ले सकें इस पासवर्ड को दोस्तों। ये प्रोजेक्ट हमारे EDS में रिसेंट में शो कर रहा है दोस्तों, लेकिन हम आपको यहां से ओपन प्रोजेक्ट करके और हमने डेस्कटॉप पर उसको अनजिप करके रखा हुआ है, तो डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं और दिल दिया गल्ला टाइटल इस फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा प्रोजेक्ट फाइल है उसी नाम से, इसको सेलेक्ट करके और ओपन प्रेस कर देने पर ये तुरंत ओपन हो जाएगा दोस्तों आपके EDS में। दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों इसमें आपको टाइटल चेंज करने के लिए सबसे पहले इस टाइटल को, ये ऑल इन वन प्रेजेंटिंग जो दिख रहा है इसको चेंज करने के लिए दोस्तों आपको ये सीक्वेंस दिख रहा है, सीक्वेंस वन, इस पर आपको डबल क्लिक करना है और उसके बाद सबसे ऊपर ये टाइटल की क्लिप है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप चाहें तो इसे जो भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम चेंज नहीं करेंगे, आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना दोस्तों, जो आपके स्टूडियो का नाम होगा वही आप डालना, आप अपने हिसाब से डालना दोस्तों। आप कलर भी बदल सकते हैं इसका और फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं और नाम भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने हिसाब से डिज़ाइन भी कर सकते हैं दोस्तों वर्ड्स में। फ़िलहाल हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम तो केवल आपको दिखा रहे हैं दोस्तों कि आप किस प्रकार से यूज करेंगे। ये हुआ अपने स्टूडियो का नाम, आप चेंज यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये 4K वेडिंग टाइटल लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ आप अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहें। प्रोसेस वही सेम दोस्तों, सीक्वेंस टू के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है, नया सीक्वेंस खुलेगा,
नए सीक्वेंस पर सबसे ऊपर की जो क्लिप है वही है टाइटल क्लिप। आप इस पर डबल क्लिक करके और इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इधर उधर करना चाहें तो भी कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज करना चाहें तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक उसी प्रकार दोस्तों आपको जो भी यहाँ चेंज करना है ऐसे आप आगे जाएंगे और दूसरे तीसरे और चौथे सीक्वेंस पर जाएंगे। और दोस्तों इसमें हमने बॉय गर्ल और कपल के फुटेज भी लगाए हुए हैं जिनको अभी रिप्लेस कराएंगे। सबसे पहले रिप्लेस करा लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इधर जहाँ टाइटल है तहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ से टाइटल ख़त्म है और नीचे टैक्स आना बाकी है, मतलब टैक्स आएगा नीचे जहाँ आप लोग अपने कस्टमर के परिवार वालों का नाम डालेंगे, उसके ऊपर जो ये खाली स्थान आ रहा है इसको भरने के लिए बॉय गर्ल और कपल के फुटेज आपको रिप्लेस कराने पड़ेंगे। उसका तरीका दोस्तों जैसे हम अपने पिछले वीडियो में आपको बताते रहे हैं कि सबसे आसान तरीका जो हमें लगता है वो यहाँ जो ऑफलाइन क्लिप्स का ये आइकन दिख रहा है जिसमें 14 ऑफलाइन क्लिप्स शो कर रही हैं, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। नया विंडो ओपन होगा, उस पर आपको किसी भी एक क्लिप के ऊपर सिंगल क्लिक करके और कंट्रोल ये कर देना है। जब सारी क्लिप सेलेक्ट हो जाएं तो जिस पर आपने पहले क्लिक किया हुआ है उस पर एक एरो दिखेगा, जिस पर लेफ़्ट क्लिक करके और रिलिंक सेलेक्ट फोल्डर कर देना है। उसके बाद आपने जहां कहीं भी फुटेज काट के रखे हों दोस्तों, फुटेज का टाइम 25 सेकंड का रहेगा जैसा कि मैं बार बार कहता आ रहा हूं, और वो फुल HD H264 में आप रेंडर करके रखिए जिससे आराम से ये रिप्लेस हो जाए दोस्तों। तो हम वही फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं जहां हमने वो फुटेज काट के रखा हुआ है और ओके प्रेस कर देंगे तो हमारा ये रिस्टोर हो गया दोस्तों। रिस्टोर होने के बाद दोस्तों आपको ठीक उसी प्रकार से सारे टाइटल को चेंज कर लेने हैं अपने हिसाब से, जो भी लिखना हो आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों हमारा EDS काफ़ी फस के चल रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोड है टाइमलाइन का, क्योंकि हमने सीक्वेंस बना रखा है दोस्तों। और इधर का जितने भी नाम आपको परिवार वालों के डालने हैं दोस्तों उसको बदलने के लिए ये एडिट नाम का जो आपको क्लिप दिख रहा है ये भी एक सीक्वेंस है दोस्तों, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक नया सीक्वेंस खुल के आ जाएगा एडिट नाम से, जिस पर आपको हमने फुटेज तो पहले ही रिप्लेस करा दिए हैं, अब फुटेज आप उसी विधि से रिप्लेस कराना जैसे हमने बताया है। उसके बाद आपको अपने हिसाब से इसमें टाइटल भी ऐड कर लेना है, टाइटल का क्लिप हमने अलग अलग करके सेव कर रखा है, आपको इस पर केवल डबल क्लिक करना है और टाइटल में जो भी कुछ आप लिखना चाहें आप यहां से पहले इसको सेलेक्ट करके और जो भी कुछ लिखना चाहें अपने हिसाब से, हम अपना नाम लिख दे रहे हैं। आप अपने हिसाब से जो भी कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं दोस्तों और सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। और यहाँ भी ऐसे ऐसे करके जितने भी क्लिप्स हैं जितना नाम आपके पास है आप ऐसे सेव करते चले जाएं। अगर दोस्तों आपके पास इतने क्लिप्स को यूज़ करने के बाद भी नाम बच जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना ये है कि इतने नामों को सेव करने के बाद आप जितने भी क्लिप आगे ले जाना चाहें वो या तो यहाँ से न्यू टाइटल क्रिएट कर लें, और अगर वो नहीं करना चाहते तो सबसे आसान तरीका आपको जैसे मान लीजिए सबसे लास्ट वाला आपने यहाँ खोला और अपना नाम चेंज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ से सेव नहीं करना है, आपको फाइल में चले जाना है और सेव एज़ कर देना है दोस्तों। जैसे आप सेव एज़ करेंगे तो ये 14 नंबर का हमने खोला था यहाँ 15 लिख के आ गया, इसको जैसे ही आप सेव करेंगे तो दोस्तों
उसके बाद जब आप कॉपी करके उसको दूसरा कुछ लिखेंगे तो उसका जो है वो टाइटल चेंज नहीं होगा, वो वही रह जाएगा पुराना वाला। तो ऐसे करके आप इसको बढ़ा भी सकते हैं अपने हिसाब से, जितना समय का आप टाइटल बनाना चाहें आप बना सकते हैं, और ग्राफिक्स वगैरह कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं जैसे के तैसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो अपने हिसाब से सेट है। आप म्यूज़िक भी वैसे बढ़ा सकते हैं दोस्तों, लेकिन वही म्यूज़िक लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उस पर काफ़ी से बीट मैच करता है और दूसरे ऑडियो पर बीट मैच नहीं करेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर टाइटल अच्छा लगा हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर दिक्कत है कोई तो कमेंट भी ज़रूर करें, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही नए प्रोजेक्ट, टाइटल से संबंधित सॉन्ग प्रोजेक्ट और ऑनलाइन विधि प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल पर डेली लाते रहते हैं दोस्तों। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, फिर सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं बनता है दोस्तों। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और आल पर सेलेक्ट करके छोड़ दें दोस्तों, ताकि जितने भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में किसी नए दिन दोस्तों, नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।